फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जय प्रदा ने अभद्र टिप्पणी के मामले में आज रामपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर खान ने मुरादाबाद की ACJM 4 कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। दरअसल रामपुर से सांसद बनने के बाद आजम खान के स्वागत के लिए मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके के एक कॉलेज में सम्मान समारोह में 30 जून 2019 को कार्यक्रम के दौरान रामपुर की पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जय प्रदा पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। इस मामले में कटघर थाने में रामपुर के सांसद आजम खान, मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर ST हसन, स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम और रामपुर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अजहर खान समेत 6 लोगों को आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई मुरादाबाद की ACJM 4 कोर्ट में चल रही है, जिसके चलते आज रामपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर खान ने अपनी वकील शबनूर के साथ कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है, जबकि 5 आरोपी पहले ही कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं। अजहर के वकील ने बताया कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 मार्च को की जाएगी। मामला यह है कि ये 30 जून को 2019 में ACSL ने बहुत बुरे कमेंट्स इनके खिलाफ किए थे, तवायफ वगैरह कहा था इसमें, क्या कहते हैं, इसने जय प्रदा के खिलाफ, तो उस केस में ये उस पर टेबल पर जरूर बैठे थे डाइस पर, बाकी इन्होंने कोई अल्फाज नहीं कहे, कुछ नहीं बोले थे, इनको रखा गया, हम आगे इनके डिस्चार्ज एप्लीकेशन डालेंगे। वो शबनूर जो हैं नई यंग वकील हैं, इनकी मार्फत वो सरेंडर, उसमें 6, एक तो आजम खान, अब्दुल्ला और फिरोज खान, आरिफ और ST हसन और एक और है अजहर अहमद खान, और आज इनको सरेंडर कर दिया है। और हमने एप्लीकेशन दी अजहर अहमद खान को, ये चेयरमैन हैं, पूर्व चेयरमैन, इनकी बीवी चेयरमैन है रामपुर की, इन्हें हमने इन्होंने सरेंडर किया है और वो जेल रवाना कर दिए गए, हमने बेल नहीं डाली है अभी, अब बाकी आगे की प्रक्रिया हम कानूनी हिसाब से 29 तारीख को करेंगे। 29 अब सब हो गए, यही बचा, ये तो अपनी 2 साल हो गए, जी वारंट तो जा रहे हैं, वारंट तो जारी होते ही है इसमें, हाँ अजहर खान के पक्ष के मेरे नेतृत्व में ये है।